यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं हमें मिल गया है और ये आपका 100% आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है। यदि आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आपके 19 फरवरी का जो एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आ गए हैं जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर है। जितने भी क्वेश्चन है सबका हम आंसर बना लिए हैं और आंसर को टिक भी कर दिए हैं। फटाफट उस क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं और आंसर बता रहे हैं और फटाफट आप लोग को इसको याद कर लेना है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट है फर्स्ट सेटिंग का और सेकेंड सेटिंग का दोनों का क्वेश्चन इसमें हम लेकर के आए हैं, दोनों स्टूडेंट इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम पहले ही क्वेश्चन का आंसर हम टिक कर दिए हैं ताकि कम टाइम लगे, आपका टाइम बच सके, क्योंकि अब आपका पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम पहले ही टिक कर दिए हैं सवाल के आंसर को। देखिए यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 क्वेश्चन में से आपको कोई 40 का जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर फिलहाल पूरे 80 का आंसर बताएंगे और इसका PDF आप लोग को कहाँ से मिलेगा और किस प्रकार से हमसे आप जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से PDF इसका डाउनलोड करेंगे सब हम इस वीडियो के बीच में बताएंगे, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे। और भी कुछ आपको बताएंगे हम, सब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा ये भी आपको बताएंगे हम, सब्जेक्टिव के आंसर भी आपको बताएंगे, ठीक है, कहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन है ना, चीन याद रखना ट्रिक, कबीला शामिल है, क से कंबोडिया, बी से वियतनाम और ला से लाओस, ये शामिल है कबीला, हम कहेंगे समझना कि हाँ हिंद चीन में कबीला है, मतलब कि आपका कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है, कौन नहीं है आपका, चीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 में आपका हुआ था, याद रखना है, ठीक है। हम पहले ही आंसर टिक कर दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो और फटाफट हम आपको आंसर बता सके, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करना है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने, ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी शानदार सवाल है ये। देखिए आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ था, तो यूरोपीय संघ, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नरोत्तम सिहानु किस देश के शासक थे, तो आप कंबोडिया के शासक थे, काफ़ी आसान सवाल आपका आया हुआ है, बिल्कुल नहीं घबराना है आप लोग को, है ना। और पूरे आप चाहते हैं कि मैथ का पूरे सब्जेक्ट का आप लोग का चाहते हैं कि आपको वायरल क्वेश्चन मैं दे दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि यहाँ पर जो भी हम वीडियो डालें आप लोग को तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1907 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गोलघर कहाँ पर है, तो पटना में है, सबको पता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, और जितने भी बाबू आप देख रहे हैं वीडियो प्लीज़ लाइक करेंगे तो सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। अगर अच्छा आप लोग का उधर से आप लोग का अच्छा लाइक मिला, अच्छा कमेंट मिला और अच्छा आप लोग का प्यार मिला, तो हम सब्जेक्टिव का भी आंसर आप लोग को देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी, तो FD रूजवेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 में हो जाएगा, ठीक है, आंसर ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि आपका जर्मनी में हुआ था। आप देख सकते हैं कितना आसान आसान सवाल पूछा गया है, ऑप्शन कौन होगा आपके, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया, तो नई आर्थिक नीति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक से कौन संबंधित है, संबंधित नहीं है बोल रहा है, नहीं है तो बैंकिंग होगा। अगर कहेगा कि इसमें बैंकिंग किस में है, प्राथमिक में कौन आता है आपका, कृषि आता है ना, तो यहाँ बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो आपका बैंकिंग हो जाएगा। हम आंसर पहले ही से बनवा लिए हैं ताकि हमें भी दिक्कत ना हो। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है, चलिए देखते हैं यहाँ पर अगले पेज में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर दिया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो कौन होगा, औसत आय से है, ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 हुआ था, आपको याद रखना है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टाका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल,
राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन के साधनों की आय होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है ना, तो 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण का प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो मिश्रित पाई जाती है। 22 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन सी। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित किससे है? तो कृष्णा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल के खाड़ी। एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछा है, लॉलीपॉप लागे लो, लॉलीपॉप सवाल पूछा है सब। देख लो, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना है ना, एकदम मोए मोए कर देना है। ऐसा सवाल आएगा तो बताओ, कमेंट करो, क्या मोए मोए कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बताओ। मोए मोए हो जाएगा ऐसा सवाल आएगा तो। ठीक है, सेम इसमें से आपका ये भी करेगा, आपको 80 क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन आपको, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें सेम टू सेम आपका, इसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स है। ठीक है, दोनों पाली मिलाकर, क्योंकि वही हम इसमें डिलीवर किए हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। बाढ़ क्षति पहुँचाती है किससे? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा भाई, सबको मिलेगा। ओके ओके रे बाबा ओके। आगे देखिए, सोडियम तत्रभुज संबंधित किससे है? सड़क मार्ग से है भाई। आगे चलो, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? खेतों में, गांव के बाहर, उचित भूमि पर, उच्च भूमि पर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। ठीक है, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग कराएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान से किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो देश में आंतरिक आपातकाल इमरजेंसी लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी हो गया। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो कौन मारेगा आपका? तो जात ना, मुख धर्मनिरपेक्ष कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? जातिवादी सांप्रदायिक, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, सत्ता में साझेदारी सही है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। नहीं भाई, गलती बात है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट ऑप्शन। तो एक का होगा आपका ऑप्शन, होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ऑप्शन डी होगा 35 का। ठीक है, सवाल, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ हो जाएगा आपका लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी। भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दिया होगा, इसमें देखते हैं कहाँ दिया है, 37 नंबर सवाल का ऑप्शन। इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो आपका राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? नहीं बोल रहा है, इसमें बताना है प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है? विद्युत है ना, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हाजीपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल फिर बढ़ते हैं आगे फटाफट से, आंसर पढ़ें से सब ठीक है। चावल क्या है? तो खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सेल आपका निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो अभड़क, कौन है? अभड़क होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर और क्या है? वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आय तथा उपभोग के अंतरों का क्या कहते हैं? तो बचत, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
इनमें से कौन व्यवसायिक व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, तो अधि और अधिविक्रय, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ना, ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है, तो दीर्घकाल हो होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा 52 के आंसर। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, शिक्षा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, स्रोत कौन है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो जवाड़ीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 25 करोड़ वर्ष पहले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, क्या दिया है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है, तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा आपका, सब हो जाएगा, ठीक है। खरीफ फसल इनमें सब नहीं हो, चावल होगा, चावल चावल, ठीक है। इनमें से कौन रिश्तेदार फसल नहीं है, तो गन्ना जो है रिश्तेदार नहीं है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, ये सबको मालूम होगा बच्चा बच्चा का, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में मुद्रण कार्य की शुरुआत किसने की थी, तो कैक्सटन ने किया था, कैक्सटन ने। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो अप्रैल क्रांति के नाम से जानी जाती है। लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था, 62 नंबर सवाल के ऑप्शन देखिए, कौन किया था, ट्रस्टकी ने किया था, कौन किया था, ट्रस्टकी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था। तख्त की श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है, तो पटना में है, है ना, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है भाई। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था है किस क्षेत्र से है, तो प्राथमिक से है आपका, ठीक है। आगे देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, सबको मालूम। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, सोनपुर में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है, शेरशाह सूरी की है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने किया था। दुर्गापुर शिल प्रांत किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है, 71 नंबर सवाल के अंतर हो गया। और सेडान युद्ध कब हुआ था, 1870 में हुआ था। हेगल कौन था, तो दार्शनिक था। मार्च 1946 में फ्रांस से वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जानते हैं, तो हनोई समझौता से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो स्लो कर लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाल, बंगाल के बहन विभाजन कब निरस्त किया गया था, 1911 में हुआ था। किस भूकंपीय तरंग की गहनता है ना, गहनता सबसे कम होती है, तो एल तरंग की। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से में है, तो 95% है, ठीक है। बिहार में किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो पुनपुन पर नहीं है, ठीक है। गेहूं फसल कैसा है, तो गेहूं फसल रबी फसल है। देखिए, अगर आप चाहते हैं हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा, किसी एक ग्रुप में जुड़ जाओ, या अगर ग्रुप फुल हो गया तो 720-905-1428 पर आप व्हाट्सएप करो, वहाँ पर आपको ग्रुप में जुड़ दिया जाएगा, ठीक है। बलवंतराय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है, तो आपका पंचायती राज व्यवस्था से। टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पर आपका ऑल पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आप जो भी चाहिए पेपर कमेंट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आप कमेंट करेंगे कि आप लोगों को कौन सा पेपर चाहिए आप लोगों का, ठीक है, उसका हम वीडियो हम डालेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।